दोस्तों लास्ट एक महीने में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये है कि कैसे आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को सीफेयरर्स प्रोफाइल यानी इंडोर्स प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ महीनों से जो लिंक का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। हम लोग खुद से अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू DGCPIN न्यू सर्कुलर जो लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके रिगार्डिंग अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो ये है। एंड उस वीडियो में मैंने वीडियो के एंड में मैंने बताया था एक ट्रिक, जिस ट्रिक को फॉलो करके आप शुरुआत में, अभी वो पॉसिबल नहीं है लेकिन पहले पहले कुछ लोगों के प्रोफाइल में ये ऑप्शन हुआ था कि वो लोग अपने वो ट्रिक को इस्तेमाल करके अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर दिए थे, लेकिन अभी वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसी वीडियो के शुरुआत में मैंने ये भी बताया था, पहले बता देता हूं कि अगर आपको ये फॉलो करना है जो मैं दिखाने वाला हूं, उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि जो DGCPIN की तरफ से गाइडलाइंस आया है वहां पे बताया कि कैंडिडेट होता है, हम लोग को अगर अपना फोटोग्राफी सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा तो उससे पहले हम लोग को देखना है कि क्या कारण से हम लोग को फोटोग्राफी सिग्नेचर अपलोड हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई कोर्स करना है, एसटीआर वगैरह करना है, तो इसके रिगार्डिंग आपको आपका जो MTI है मतलब मेरिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे आप बता सकते हो, वो आपका ये फोटोग्राफी सिग्नेचर का काम देख लेगा। या फिर दूसरा कोई कंडीशन रहेगा तो RPSL एजेंट जो आपका कंपनी है उसको भी आप बता सकते हो, वो भी आपका ये काम करेगा। लेकिन ये तरीका मुझे नहीं पता कि ये तरीका राइट है कि रॉन्ग है, ये आपको खुद को चूज करना कि आप इस तरीके से करोगे या नहीं। ये मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि यही तरीका बेस्ट वे है आपका फोटोग्राफी सिग्नेचर अपलोड करने का। अभी दुख की बात यह है कि ये जो मैंने बताया था ये शुरुआत में था, लेकिन कोई भी इसको सुनना देखना या फिर ट्राई करना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि जो ट्रिक मैंने दिखाया था वही सक्सेसफुली काम कर जाए। लेकिन बात यह है कि मैंने इसे शुरुआत में ही बता दिया था कि ये एक्चुअली एक ट्रिक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये कभी भी फेल हो सकता है। जब तक ये प्रोसेस काम चल रहा है तब तक जो कर दिए हैं उनका हो गया है काम, लेकिन जब DGCPIN को पता चलेगा, जब साइट को इम्प्रूव किया जाएगा, तब ये ऑप्शन और अवेलेबल नहीं हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द नया सर्कुलर जो आपका DGCPIN ने लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2020, उसके हिसाब से अभी जो ई लर्निंग प्रोसीजर है, जो एग्जिट एग्जाम है, जो फॉर्मूला मैंने, आप चाहो तो ऊपर जाके क्लाउड में क्लिक करके देख सकते हो, वीडियोज मैंने बताया था, वहां पे जो सिस्टम बताया गया है, जो फॉलो अप बताया गया, उसी के हिसाब से अभी से आपको STCW कोर्सेस करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि क्या होता है कि अभी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर फॉर्म भर रहे हो, आपका जो फेस वेरिफिकेशन है वो आप खुद कर देते हो, एंड बाद में शायद कोई और आपके हिसाब से एग्जाम दे सकता है, या फिर ई लर्निंग जो है वो कंप्लीट कर सकता है, या फिर जो वर्चुअल क्लासेस है वो शायद आप स्किप कर जाओ, तो ये सब जो चीज़ है इसको रोकने के लिए, जो डिजिटलाइजेशन है उसको और कड़क बनाने के लिए, सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए DGCPIN ने ये फैसला किया है कि कैंडिडेट अभी से अपना प्रोफाइल का जो सिग्नेचर है या फिर फोटोग्राफ है वो खुद से अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्यों आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपका मोटिव है कि आप एग्जिट एग्जाम देना चाहते हो, या फिर आप जो मतलब STCW रिन्यूअल करना चाहते हो, तो आपका जो MTI है मतलब जो मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आपका जो फोटोग्राफ है जो आप बदलना चाहते हो खुद से, वो फोटोग्राफ का JPG फॉर्म में मतलब जो नॉर्मल फोटो का फॉर्म होता है उस फॉर्म में आप अपना जो MTI उसको फॉरवर्ड करो, एंड जो मैं बता रहा हूं आप फॉलो कर सकते हो, साथ ही में जो आपका MTI है वो भी आपको गाइड करेगा, क्योंकि ये DGCPIN का ऑर्डर है, वो फॉलो उनको करना ही पड़ेगा, इस हिसाब से उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। एंड साथ ही में कैंडिडेट से वो फीस लेता है, तो आपका भी एक फोर्स बनता है, आप MTI को बताओ कि आपको करना है मतलब करना है इसका। जो अगर आप चाहते हो कि DGCPIN का ऑर्डर क्या है जानने को, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में वो ऑर्डर चेक कर सकते हो, मैंने उसका PDF का जो लिंक है डाउनलोडिंग का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड करके उस लिंक से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप पढ़ के देख सकते हो। वहां पे 3 स्टेप में ये वेरिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो MTI है, ये सिर्फ मैं MTI का ही बात कर रहा हूं, मैं फिर से बताता हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिए वीडियो पे, जो मैं बता रहा हूं अभी वो सिर्फ MTI कर सकता है, कैंडिडेट खुद से नहीं कर सकता है। अगर आपको ई लर्निंग प्रोसीजर या फिर कोर्स रिन्यूअल प्रोसीजर के लिए कुछ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बदलना है, तो आप MTI का मदद ले सकते हो। MTI फर्स्ट ये जो नीचे दिए गए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे वो उस ID में मेल करेंगे, अगर वो
जो वर्किंग प्रोसीजर है, दो दिन में अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, दो दिन मतलब सैटरडे संडे को ये लोग काउंट नहीं करते क्योंकि सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है, सैटरडे एंड संडे को छोड़ के वीकली वीकडेज में मतलब कोई भी दूसरे दिन में अगर आपका काम होता है, मतलब दो दिन के अंदर अगर काम नहीं होता है तो MTI सेम मैसेज को दिए हुए ये जो स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है नीचे इस मेल आईडी में फॉरवर्ड करेंगे। फिर भी अगर तीन दिन में काम नहीं होता है, ये मेल आईडी में भेजने के बाद भी अगर तीन दिन में काम नहीं होता है तो नीचे देख सकते हो फिर से जो स्क्रीन में अभी यहाँ पे दिख रहा है वो मेल आईडी में MTI आपका जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड करेंगे एंड डेफिनेटली आपका जो सॉल्व होगा, जो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग एग्जिट एग्जाम, आपका फिर फेस वेरिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है या फिर फोटोग्राफ बदलते बदलते आप थक जाते हो या फिर बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, इसके लिए जो डीजीसीपी है ये रूल बनाया हुआ है एंड ये ऑर्डर को फॉलो करके MTI आपका फोटोग्राफ इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ई लर्निंग करते हो या फिर एग्जिट एग्जाम करते हो, कोई भी फोटो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व होने वाला है थ्रू MTI ओनली। अभी नेक्स्ट आता है अगर आप ज्वाइनिंग प्रोसीजर में बताते हो, मतलब सिप पे ज्वाइन करना चाहते हो, साइन ऑफ करना चाहते हो एंड उसके लिए जो ई पास होता है, ई पास को लेने के लिए अगर आपका फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर चेंज करना होता है, अगर मैच नहीं करता है आपका फोटोग्राफ से, तो आप अपना जो RPSL कंपनी है, जो आपका मैनिंग एजेंट है RPSL, उनके थ्रू आप सिमिलर बेसिस पे चेंज करा सकते हो। मतलब ज्वाइनिंग प्रोसीजर साइन ऑफ प्रोसीजर में आपको हेल्प करेगा आपका कंपनी RPSL जो एजेंट है वो आपको हेल्प करेंगे। अभी अगर कोई पर्सनल रीजन के लिए सबका COP एप्लीकेशन करना चाहते हो, शिपिंग एप्लीकेशन करना चाहते हो, DC रिन्यूअल कराना चाहते हो, एप्लीकेशन कराना चाहते हो, फिर CDC रिन्यूअल, CDC रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो, इसके लिए अगर आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको बदलना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा, मतलब कैंडिडेट को खुद को करना पड़ेगा। आपको MTI भी हेल्प नहीं कर सकता, आपको जो कंपनी है वो शायद आप बात करके देख सकते हो लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी सिर्फ आपको ई पास के लिए कर सकता है एंड MTI सिर्फ आपको कोर्सेज के लिए कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो इंडोर सेल है, आप पहले तो आप जो ग्रीवियंस है वहां पे आप लिख सकते हो आपका, लेकिन जो भी लिखा है उसको ऐसा एक मेल मिला है कि आप इंडोर सेल से कॉन्टेक्ट कीजिए। इंडोर सेल मतलब जो दिए हुए आपको दिख रहा है मेल आईडी, इसमें आपको आपका क्वेरी लिख के भेजना है, वहां पे आप टोटली लिखो, टोटल डिटेल में लिखो कि आपको इस ये रीजन के लिए आप COP अप्लाई करना चाहते हो, आपका CDC नंबर ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका इंडोर्स नंबर ये है एंड ये इसके रिगार्डिंग आप एक अप्लाई करना चाहते हो COP के लिए या फिर CDC रिन्यूअल के लिए, इसके लिए आपको जो फोटोग्राफ है या फिर सिग्नेचर है उसको आपको बदलना है, तो जाके क्या होगा जो इंडोर सेल है उसके तरफ से आपको एक मेल आएगा एंड उसमें एक लिंक दिया जाएगा, जो लिंक को फॉलो करके एक बार आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को बदल सकते हो, बार बार नहीं बदल सकते हो, एक ही बार बदल सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है एंड लेकिन जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर उसका कुछ गाइडलाइंस है, मतलब वो डीजी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको अपलोड करना है। अपलोड तो नॉर्मली कर सकते हो लेकिन जो अपलोड करने का तरीका है वो अगर आप चाहते हो तो ऊपर जाके कार्ड में वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को डीजी के गाइडलाइंस के हिसाब से अपलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद कोई क्वेरी नहीं रहेगा, जो मैंने बताया यही आपको फॉलो करना है एंड जो ई लर्निंग प्रोसीजर है, जो एग्जिट एग्जाम प्रोसीजर है अभी के लिए जो मतलब चल रहा है सिस्टम, ये मतलब छुटकारा पाना मेरे हिसाब से मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कोई अब तक ऑर्डर नहीं आया है रोकने का एंड ये आगे जाके भी ऐसे मेंटेन रहेगा। हम लोगों को ई लर्निंग भी करना पड़ेगा, MTI से कोर्स करना पड़ेगा जब खुल जाएगा, अभी तो कोरोना के लिए बंद हो रखा है, लेकिन मैंने लास्ट मेरा वीडियो था वहां पे मैंने बताया था कि अभी MTI ओपन होने वाला है पर्सनली, वहां पे अगर आप चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो एंड फाइनली आपको जो एग्जिट एग्जाम है वो भी आपको क्लियर करना है। लेकिन जो मेन फंडा था यहाँ पे, जो मेन प्रॉब्लम था वो था फेस वेरिफिकेशन, मतलब फोटोग्राफ चेंज के लिए एंड सिग्नेचर चेंज के लिए, वो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में खुल के बता दिया आपको। शायद आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलेगा ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।